हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, आज मैं आपके लिए ये वाली छोटा डिज़ाइन लेके आई हूँ, छोटी बुनाई लेके आई हूँ। देखिए, इस डिज़ाइन को हर प्रोजेक्ट में डाला जा सकता है। जेंट्स स्वेटर्स में ये बहुत अच्छी लगेगी, लेडीज़ कार्डिगन्स में भी बहुत अच्छी लगेगी, किड्स स्वेटर्स पे अच्छी लगेगी, बेबी स्वेटर्स में भी बहुत अच्छी लगेगी। इससे कैप्स, मफलर्स, शॉल्स, स्टोल्स, हर प्रोजेक्ट आप इससे बना सकते हैं। देखिए, बहुत सुंदर ये छोटी बुनाई है। ये इसकी फ्रंट साइड है और ये इसकी बैक साइड आ जाती है। तो इस डिज़ाइन में हम पहले दो बेसिक रोज बनाएंगे, उसके बाद जो है 12-12 सिलाइयों का ये रिपीट पैटर्न है। तो ये 12 सिलाइयों में एक बार डिज़ाइन ये कंप्लीट हो जाएगा। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 4 के मल्टीपल में हमने फंदे लेने हैं, प्लस एक फंदा जो है एक्स्ट्रा लेना है। तो चलिए आज इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए देखिए, मैंने यहाँ पे 17 फंदे लिए हुए हैं, 4 के मल्टीपल में 16 और एक फंदा एक्स्ट्रा। टोटल मैंने 17 फंदे यहाँ पे लिए हुए हैं। अब देखिए, सबसे पहले जो है हम सीधी साइड से दो बेसिक रोज बनाना शुरू करेंगे। पहले फ्रंट साइड, फिर बैक साइड पे हम बेसिक रोज बनाएंगे और उसके बाद जो है अपना 12 सिलाइयों का ये डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहली बेसिक रो हम बनाएंगे। उसके लिए हम सबसे पहला फंदा जो है स्लिप करेंगे, उसके बाद वाला फंदा जो है देखिए हमारा उल्टा आना चाहिए। हम सेकंड जो फंदा लेंगे उसे उल्टा बनाएंगे इस तरह। उसके बाद हमने सीधा फंदा बनाना है, लेकिन देखिए अब हमने इस डिज़ाइन में सीधी साइड से सीधा फंदा इस तरह से नहीं बनाना है, इस तरह से बैक लूप से बनाना है। सीधी साइड से सारे के सारे सीधे फंदे हमने बैक लूप से बनाने हैं इस तरह से, और उल्टे फंदे हमारे जो हैं फ्रंट पे इसी तरह से बनेंगे सिंपल तरीके से। तो बेसिकली ये हमारा एक सीधा और एक उल्टा फंदा बनना है फ्रंट साइड की बेसिक रो पे। डिफरेंस बस यही है कि इसमें सीधे फंदे जो हैं वो बैक लूप से बनेंगे। ये सीधा लास्ट में हमारा एक सीधा फंदा आ जाएगा। अब देखिए, बेसिक रो टू बैक साइड, पहले फंदे को स्लिप करने के बाद सेकेंड हमने सीधा बना लेना है। सीधा हमने इस तरह से बनाना है बैक साइड पे, और देखिए बैक साइड पे हमने अब उल्टे फंदे किस तरह से बनाने हैं। उल्टे फंदे हमने बनाने हैं इस तरह से बैक लूप से। उल्टी सिलाई पर हमने उल्टे फंदे बैक लूप से बनाने हैं और सीधी सिलाई पर सीधे फंदे बैक लूप से बनाने हैं। तो ये देखिए, सीधा फंदा हमारा सिंपल बनेगा बैक साइड पे, सारी की सारी बैक साइड पे, सारी की सारी रो पे, सारे के सारे उल्टे फंदे हमने इसी तरह से बनाने हैं और सीधे फंदे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं सिंपल तरीके से, लेकिन अगर डिजाइन में डिजाइन को ज्यादा सुंदर बनाना है तो हम इस तरह से बनाएंगे इसमें। तो ये हमारी बेसिक रो टू, ये भी एक सीधा एक उल्टा हमने इस तरह से बना के इसे कंप्लीट कर ले लास्ट में उल्टा फंदा। अब आते हैं हम डिज़ाइन की रो वन पे। रो वन और रो टू जो है वो बेसिकली हमारी बेसिक रोज ही हैं। हमने दोनों बेसिक रोज को रिपीट करके जो है अपनी रो वन और रो टू को बनाना है। पहले फंदे को स्लिप करने के बाद उल्टा फंदा बनाएंगे, एक उल्टा और एक सीधा बना के हमने बेसिक अपनी और डिज़ाइन की रो वन को कंप्लीट करना है। ये देखिए इस तरह, और लास्ट में सीधा फंदा। अब देखिए रो टू हमारी
बैक साइड स्लिप करने के बाद एक फंदा सीधा बनाएंगे और उल्टे फंदे को हम बैक लूप से बनाते हुए कंप्लीट करेंगे इस तरह से रो टू। ये इस तरह से हमारी यहाँ पे रो टू कंप्लीट होती है डिज़ाइन की, ये देखिए। और अब आते हैं रो थ्री पे। रो थ्री पे देखिए क्या करेंगे हम, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, अगला फंदा उल्टा बनाएंगे और अगला सीधा फंदा भी बुनेंगे इस तरह। और इसके बाद देखिए आगे उल्टा फंदा आता है, इसे हमने कुछ नहीं करना है। अगले सीधे फंदे पर हमने चौथे लूप से लूप डालना, देखिए किस तरह से। ये हमारा पहला लूप है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ लूप में सिलाई को डालते हुए हमने बैक साइड से इस तरह से फंदा उठाना है, इस तरह से लूप उठाएंगे। उसके बाद एक उल्टा जो आगे आता है उसे बनाएंगे, एक सीधा उसे बनाएंगे, एक और उल्टा उसे बुनेंगे इस तरह, धागे को पीछे कर लेंगे। और उसी जगह पर हमने सिलाई को दोबारा डालने के बाद एक और लूप जो है हम बैक साइड से उठा लेंगे इस तरह, ये देखिए। अब आगे जो एक सीधा फंदा है उसे हम बुन लेंगे। और अब यहाँ पे फिर से हम इस फंदे को छोड़ने के बाद सीधे फंदे के चौथे लूप में सिलाई को डाल के हमने जो है ये इस तरह से लूप उठाना है। और आगे हम उल्टा फंदा बनाएंगे, एक जो सीधा फंदा है उसे बनाएंगे, आगे उल्टा फंदा उसे बनाएंगे और अगेन वहाँ सिलाई डाल के हम दोबारा से एक और लूप इस तरह से उठाएंगे। इस तरह से हम वी शेप में जो है लूप्स उठाते जाएंगे। आगे वाला सीधा फंदा, बीच में एक फंदा हम सीधा बनाते जाएंगे और उल्टे फंदे को छोड़ने के बाद सीधे फंदे के चौथे लूप से हम लूप उठाते जाएंगे। तो इस वजह से जो है इस डिज़ाइन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा लग सकता है। अब देखिए तीन फंदे बनाने के बाद अगेन हम उसी जगह पर सिलाई को डाल के लूप उठाएंगे इस तरह। अब आगे देखिए एक सीधा फंदा, अब यहाँ पे एक उल्टा है और लास्ट में हम एक सीधा उसे बुन लेंगे इस तरह से, ये देखिए। ये हमारी रो थ्री कंप्लीट होती है। रो थ्री के बाद आती है हमारी बैक साइड रो फोर। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, जो हमने लूप्स उठाए हमें उन्हें नहीं बनाना है, उन्हें सिर्फ हम स्लिप करेंगे सिलाई पे। पहले फंदे को स्लिप करने के बाद एक सीधा फंदा बनाएंगे और जो उल्टा फंदा है बैक लूप से बनाते हुए हम उन्हें बनाएंगे उल्टे फंदे को। अब देखिए आगे आता है हमारा ये लूप, इसे स्लिप करेंगे। उसके बाद एक फंदा सीधा आता है उसे बनाएंगे, उल्टा फंदा आता है उसे बुनेंगे, सीधा फंदा बुनेंगे। अब यहाँ पे आता है हमारा धागे को आगे कर लेंगे हम, यहाँ पे हम लूप को स्लिप करेंगे। उसके बाद आता है हमारा उल्टा फंदा, उसे बनाएंगे, लूप को स्लिप करेंगे। उसके बाद सीधा फंदा बनाएंगे, सीधा फंदा, फिर उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर दोबारा सीधा फंदा बनाएंगे, धागे को आगे करेंगे, लूप को स्लिप करेंगे, उल्टा फंदा बनाएंगे, लूप को स्लिप करेंगे, सीधा फंदा बनाएंगे, आगे उल्टा फंदा बनाएंगे, सीधा फंदा बनाएंगे, धागे को आगे करेंगे, लूप को स्लिप करेंगे, उल्टा फंदा बुनेंगे, फिर एक सीधा बनाएंगे और लास्ट का ये भी सीधा बना लेंगे। यहाँ पे हमारी रो फोर कंप्लीट होती है। रो फोर कंप्लीट होने के बाद अब हमारी फ्रंट साइड रो फाइव आती है। पहले फंदे को हम स्लिप कर लेते हैं।
आगे वाले उल्टे फंदे को हम बना लेते हैं। और उसके बाद देखिए हमने अब क्या करना है, ये फंदा जो है हम इस तरह से उठा लेंगे सिलाई पे, और ये हम लूप को थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करेंगे इसकी इस तरह से घुमा के, और ये फिर इस तरह से डाल देंगे। और इन दो फंदों को देखिए, लूप और पीछे वाले सीधे फंदे को हम धागे को पीछे कर लेंगे, इन दोनों को जो है साथ में हम सीधा बना लेंगे इस तरह से। इस तरह से हमने बनाना है। आगे देखिए तीन फंदे बुनेंगे, उल्टा, सीधा और ये उल्टा। ये तीन फंदे बनाने के बाद देखिए अब लूप आता है, लूप और उसके आगे वाला फंदा हम इस तरह से सिलाई डालते हुए ये हम राइट साइड की सिलाई पर उतार लेंगे, और ये जो लूप है हमारा इसे हम इस तरह से सीधा बना लेंगे, और फिर इन दोनों को इसके ऊपर से पास कर देंगे, इस तरह से पास करके उतार देंगे। अब आगे तीन फंदे बनेंगे हम, देखिए उल्टा, सीधा, उल्टा। उसके बाद दो फंदे लूप और उसके आगे वाले फंदे को इस तरह से सिलाई पर उतारेंगे, आगे वाले लूप को बुनेंगे और इनको पास कर देंगे। तीन फंदे बुनेंगे, उल्टा, सीधा, उल्टा। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि साइड के हैं तो हम ये जो लूप है उसके आगे वाले उन दोनों को इस तरह से सीधा बना के एक फंदा यहाँ पे बना लेंगे, आगे वाले फंदों को हम उल्टा और एक सीधा बना लेंगे। ये हमारी रो 5 यहाँ पे कंप्लीट होती है। रो 6 हमारी सिंपल आ जाती है, एक सीधा और एक उल्टा। ये हमारा सीधा, एक सीधा। बैक साइड पे देखिए हमने उल्टे फंदे बैक लूप से बनाने हैं, एक सीधा, एक उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा। ये डिज़ाइन जो आप जो जब दो तीन बार डाल लेंगे उसके बाद आपका हाथ जो है थोड़ा फ्री हो जाएगा, फिर आप थोड़ा फास्ट बुन पाएंगे। उल्टा, सीधा और ये उल्टा। यहाँ पे हमारे 6 रोज जो है वो डिज़ाइन की कंप्लीट हो चुकी हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारा आधा डिज़ाइन जो है वो पड़ चुका है। अब देखिए हमने 7th रो पे क्या करना है, पहले फंदे को स्लिप करने के बाद एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक फंदा उल्टा, एक सीधा। इस तरह से हमने अपनी 7th रो जो है वो कंप्लीट करनी है। सीधा, सीधे फंदे हमने बैक लूप से बनाते हुए करने हैं, उल्टे हमने सिंपल बनाने हैं इस रो में फ्रंट साइड की, और ये लास्ट में सीधा फंदा आ गया। ये अब आते हैं आप 8th रो बैक साइड, 8th रो पे भी हमने एक सीधा और एक उल्टा बनाना है। इस तरह से बना के हमने ये एक सीधा एक उल्टा कंप्लीट करते जाना है इस रो को। ये लास्ट वाला फंदा। अब आते हैं रो 9 पे। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, अब हमने यहाँ पे हमारा थोड़ा पैटर्न चेंज हो जाएगा। पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, उसके बाद देखिए इस फंदे को हमने कुछ नहीं करना है, इसके नेक्स्ट सीधा जो फंदा है
उसके फोर्थ लूप से हम उठाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ से हमने बैक साइड से लूप उठाना है इस तरह, और फिर आगे वाला उल्टा फंदा बनाएंगे, सीधा बनाएंगे, एक और उल्टा बनाएंगे, उसके बाद हमने फिर से वहीं पे सिलाई को डालते हुए लूप उठाना है इस तरह से, आगे वाला सीधा फंदा जो है हमने सीधा बनाना है। अब देखिए यहाँ पे फिर से इस फंदे को छोड़ने के बाद इसके फोर्थ लूप से हम सिलाई डाल के लूप उठाएंगे बैक साइड से इस तरह, आगे वाले तीन फंदे बनाएंगे, एक उल्टा सीधा उल्टा, फिर से। तो देखिए यहाँ पे हमने धागे को पीछे करना है और फिर से उसी लूप पे सिलाई को डाल के बैक साइड से लूप को उठा लेना है इस तरह, आगे वाला सीधा फंदा हम सीधा बनाएंगे, फिर उल्टे फंदे को छोड़ने के बाद इस वाले यहाँ से हम फंदा उठाएंगे फोर्थ लूप से इस तरह, आगे तीन फंदे बनाएंगे, उल्टा एक सीधा और एक और उल्टा, और फिर से यहाँ पे लूप उठाएंगे बैक साइड से इस तरह से वी शेप में, आगे वाला फंदा बनाएंगे सीधा और फिर उल्टे फंदे को छोड़ने के बाद सीधे फंदे के फोर्थ लूप से हमने ये उठाना है लूप इस तरह, आगे वाले तीन फंदे हम बनाएंगे उल्टा सीधा और एक उल्टा, यहाँ पे फिर से धागे को पीछे करने के बाद हम एक लूप उठाएंगे इस तरह, अब आगे वाला फंदा हम बना लेंगे सीधा। अब आते हैं हम रो 10 पे, रो 10 पे एक फंदे को स्लिप करने के बाद देखिए हमने ये जो लूप्स हैं इन्हें स्लिप करना है, और उसके बाद आता है एक सीधा फंदा, उसके बाद उल्टा, उसके बाद आता है एक सीधा, उसके बाद धागे को पीछे कर लेंगे, एक लूप को स्लिप करेंगे, फिर एक उल्टा फंदा आता है नेक्स्ट, लूप को स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, एक आता है उल्टा, फिर सीधा, फिर धागे को पीछे करेंगे अपनी ओर, लूप को स्लिप करेंगे, नेक्स्ट उल्टा फंदा बनाएंगे, लूप को स्लिप करेंगे, और फिर आता है सीधा, फिर उल्टा, एक और सीधा, यहाँ पे लूप को स्लिप करेंगे, फिर उल्टा फंदा बनाएंगे, लूप को स्लिप करेंगे, सीधा फंदा बुनेंगे, उल्टा फंदा बुनेंगे, फिर सीधा फंदा बुनेंगे, यहाँ पे लूप को स्लिप करेंगे, धागे को अपनी ओर करके लूप को स्लिप करेंगे और लास्ट फंदे को उल्टा बना लेंगे। अब आते हैं 11th रो पे, 11th रो पे आके देखिए पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे, स्लिप करने के बाद यहाँ पे स्लिप नहीं करना है हमने, देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से उतार के पहले फंदे को इस तरह से उतार के इस लूप को इस तरह से घुमा लेंगे, घुमाने के बाद हमने ये दोनों फंदे जो हैं साथ में बनाने हैं सीधे इस तरह, जो पहला फंदा है हमारा और ये लूप वाला फंदा उन्हें हम इस तरह से बना लेंगे, उसके बाद उल्टा फंदा बुनेंगे, फिर एक सीधा फंदा बुनेंगे, उल्टा फंदा बुनेंगे, उसके बाद लूप और नेक्स्ट फंदे को इस तरह से सिलाई पर लेंगे और आगे वाले लूप को बुनेंगे इस तरह, और इन दो फंदों को फिर जो हमने स्लिप किए थे इस तरह से पास कर देंगे इसके ऊपर, उल्टा फंदा बुनेंगे, सीधा फंदा बुनेंगे, एक और उल्टा फंदा बुनेंगे, दो फंदों को स्लिप करेंगे, लूप वाले फंदे को हम सीधा बुनेंगे और दो फंदों को स्लिप किए हुए फंदों को पास करेंगे इस तरह,
उल्टा फंदा बुनेंगे, सीधा फंदा बुनेंगे, उल्टा फंदा बुनेंगे और लूप और नेक्स्ट फंदे को इस तरह से सिलाई पे लेके हम पास करेंगे। आगे वाले लूप को बुनेंगे सीधा और इसे इसके ऊपर पास कर देंगे। नेक्स्ट उल्टा फंदा बनाएंगे, एक सीधा बनाएंगे, उल्टा बनाएंगे और ये देखिए आखिर में जो है लूप है और लास्ट फंदा है, इन्हें हमने साथ में इस तरह से बना लेना है। ये हमारी यहाँ पे 11th रो कंप्लीट होती है। देखिए बहुत सुंदर डिज़ाइन पड़ा है इस पिंक कलर के धागे पर। तो ये हमारी अब लास्ट रो आती है डिज़ाइन की, 12th रो। इस पे सीधा पहले फंदे को स्लिप करने के बाद सीधा फंदा है, फिर उल्टा फंदा बैक लूप से बनाते हुए हमने सारे उल्टे फंदे बनाने हैं। इस पे एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा बनाते हुए हमने अपनी इस 12th रो डिज़ाइन की 12th रो को हमने कंप्लीट करना है। और इस सिलाई के साथ जो है हमारा एक बार जो है डिज़ाइन पूरा पट जाएगा और इसके बाद हम इन्हीं 12 रोज को बार बार रिपीट करके जो है डिज़ाइन को पूरा करेंगे। ये लास्ट वाला उल्टा फंदा हम उल्टा सिंपली बना सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारा जो है इस कलर में भी बहुत सुंदर निखर के आया ये वाला डिज़ाइन। देखिए कितना सुंदर लग रहा है।